साथियों, आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे नामों और उपनामों के संबंध में। नाम और उपनाम का क्या असर होता है, इसको बहुत से लोग बहुत सोच समझ करके रखते हैं। बहुत से लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और जैसे चला आ रहा है वैसे कि वैसे उसको रखने लगते हैं। किसी का नाम उपनाम माँ बाप ने रखा, किसी का रिश्तेदार ने, किसी का दोस्त ने, और किसी का नाम बहुत सोच समझ करके रखा जाता है। नाम और उपनाम से आपका एक परिचय मिलता है सामने वाले को, और वो ये तय करता है कि आगे भविष्य में आपसे कोई इंटरेक्शन रखना है या नहीं रखना है। इस नाम से बहुत से लोगों की प्रेरणा जुड़ी होती है, किसी का रुझान, किसी का शौक, किसी का पेशा, किसी की जाति और किसी का मजहब, बहुत सारी चीज़ें उससे मालूम होती हैं। और ख़ास तौर से इससे दो असर होते हैं। एक तो जो लाभार्थी है उस नाम का, उसको लगता है कि ये मैं बहुत गर्व का काम है मेरे लिए, उस पर गौरव करता है। और कुछ लोग जो उसके नाम से दंडित होते हैं या लज्जित होते हैं या दूर कर दिए जाते हैं कई बार, हालांकि उनको भी लगता है कि हम भी बहुत गौरवशाली काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे नाम और उपनाम जिनकी वजह से दंडित होना पड़े, लज्जित होना पड़े, या आपका इंट्रैक्शन का जो पहला चरण है उसी से आप दूर कर दिए जाएँ, तो उससे बहुत परेशानी जीवन में होती है। और कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, उससे पहले ही आपके नाम उपनाम सुनते ही वो आपसे दूर हो जाते हैं। जो इसके लाभार्थी हैं, जिनको उससे विशेष अधिकार मिलते हैं, जो बिल्कुल पासपोर्ट और वीज़ा की तरह से उसको पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर यूज़ करते हैं, उनका तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य सफल हो जाता है। लेकिन दूसरा उद्देश्य उनका ये है कि आपसे दूर रहें, जो आम आदमी है जिसको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, या जो अछूत है, या किसी तरह से पिछड़ा हुआ है, किसी का पेशा गलत है या उसके पेशे को गलत माना जा रहा है, क्योंकि जो श्रम का महत्व है वो नहीं है इस समाज के अंदर, और निश्चित रूप से वो होना चाहिए, लेकिन श्रम का महत्व न होने के कारण जो महत्व है वो जाति का है या उसके गौरव का है या उसके इतिहास का है, तो निश्चित रूप से उसको बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि पहले ही चरण में इसको ख़त्म कर दिया जाए, उनके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि ये जो परिचय है, ये नाम और उपनाम, अगर इससे मालूम पड़ जाए कि इसके आगे इससे संबंध रखे जाएँ या ना रखे जाएँ, तो अच्छा तय कर लिया जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि नाम और उपनाम से उसके जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी ना हो, और कहीं ये मित्रता के रूप में ना परिवर्तित हो जाए, फिर आगे चल के शारीरिक संबंध या वैवाहिक संबंध के रूप में ना परिवर्तित हो जाए, तो उसको रोकने के लिए नाम और उपनाम सुझाए जाते हैं। और लोगों के अंदर ये भावना बन जाती है कि हम तो गर्व कर ही रहे, तुम भी गर्व करो अपने इन नामों के और उपनामों के ऊपर। उनमें से बहुत से लोगों को ये भी देखा कि कुछ हिपोक्रेट्स भी हैं, बहुत से लोग समाज सुधार का काम कर रहे हैं और उनको हो गए 20-25-50 साल भी हो गए, लेकिन वो अपना नाम और उपनाम भी नहीं बदल पाए, कुछ तो हिचकिचाहट के कारण, कुछ अज्ञान के कारण, और कुछ उस पर गर्व करने के कारण। तो ऐसा नाम और उपनाम कोई भी हो जिससे इंट्रैक्शन में बाधा आती है, जो संकीर्णताओं में आपको डालता है, उनको किसी भी तरह से त्यागने की आवश्यकता है। और आगे चल के निश्चित रूप से पूरे समाज के अंदर जो शिक्षित लोग हैं वो गाइड करेंगे, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप गाइड करें, तो अच्छे नाम रखे जाएं, अच्छे उपनाम रखे जाएं, उनका अर्थ हो। और अगर वो अर्थहीन हैं तो निश्चित रूप से वो प्रेरणा का काम नहीं करते, अच्छे रुझान का काम नहीं करते। अगर उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे दूसरे लोगों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं, और स्वागत योग्य नाम उपनाम है, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत भी होगा। और इंट्रैक्शन बढ़ने में जो मानव मात्र है पूरी दुनिया का, उससे कोई खतरा नहीं है। अगर इंट्रैक्शन है, निश्चित रूप से इंट्रैक्शन अच्छी चीज़ है, वेलकम किया जाना चाहिए उसका, जब तक कि कोई चुनौती मानव मात्र के सामने नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको स्वागत करने के लिए नाम और उपनामों को बदला जाना चाहिए। और ये आपकी हिम्मत देखी जाती है। अगर आप अपना नाम और उपनाम भी नहीं बदल सकते, अच्छे अर्थों वाले नाम उपनाम नहीं रख सकते, तो आप समाज को क्या बदलेंगे, और क्या दुनिया को बदलेंगे, क्या देश को बदलेंगे, ये आप खुद तय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।